अगर आप भी रॉकी टीवी के डीलरशिप लेना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9878740455। जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी के आह्वान पर भाजपा युवा महानगर आगरा के अध्यक्ष श्री शैलू पंडित जी के नेतृत्व में भाजपा युवा महानगर आगरा के कार्यकर्ताओं ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पुतला आगरा के कलेक्टर परिसर के अंदर फूंका। अखिलेश यादव के बयान मठाधीश और माफिया में कोई फर्क नहीं होता, जिससे संत समाज और सनातन समाज बेहद नाराज है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान माफिया और मठाधीश की तुलना एक ही करी है। माफिया और मठाधीश को वो ये समझ ही नहीं पाए दोनों में अंतर कितना है, क्योंकि मैं तो कहूंगा कि असली माफिया तो अखिलेश यादव खुद हैं जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं। उनका कहना सीधे सीधे पुलिस पर था कि चप्पल में पहनकर पुलिस एनकाउंटर करती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस या एसटीएफ किसी चीज को जांच करने जाती है, किसी को पकड़ने जाती है, यदि वो चप्पल में थी और उसके ऊपर अगर कोई माफिया अगर गोली चलाएगा तो क्या वो जूते पहनने जाएंगे या अखिलेश यादव से पूछने जाएंगे? जब अगर वो चप्पल में थे, उन्होंने गोली मारी, उस पर उन्होंने ये माफिया और मठाधीश को एक ही कहा है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मंगेश यादव से कहीं ना कहीं ये रिश्ता कुछ कहलाता है, क्योंकि इनकी पार्टी माफियों को संरक्षण प्राप्त कराती है। इस प्रदेश के अंदर आपने देखा था 2014 से पहले, हमने देखा था 2017 से पहले कैसे लूट हुआ करती थी, कैसे दंगे हुआ करते थे, कैसे चेन स्नैचिंग हुआ करती थी, कैसे फोन छीना करते थे। ये सब उनके पार्टी के पाले हुए गुंडे थे। और आपको बता देना चाहता हूँ, इन गुंडों को द्वारा सक्रिय करने के लिए अखिलेश यादव लग चुके हैं, कैसे भी सरकार की छवि खराब हो। लेकिन इस सरकार के चक्कर में वो संतों का अपमान करने लग गए, अब उनको कुछ नहीं मिल रहा तो वो सनातन पे प्रहार कर रहे हैं। ये सनातन का प्रहार पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है। अखिलेश यादव, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं उनके शब्दों की कड़ी निंदा करता हूँ और अखिलेश यादव से कहता हूँ कि आप देख लेना, आप गुंडों को संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता और देश की जनता आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी, इस बात का हम वादा करते हैं। आज हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने का काम किया है और अखिलेश यादव को कहा है कि या तो देश और प्रदेश के संतों से माफी मांगो, अन्यथा ये देश के संत और महंत ये देख लेना, आपका बदलाव और आपकी पार्टी ये दोनों ही निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएंगी। महाराष्ट्र में एक संत का अपमान हुआ था जब वो हंसते हंसते उसने प्राणों को नछावर किया था, अब इन्होंने संतों पर प्रहार किया है, ये पार्टी नीचे की ओर जाएगी और अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी।